हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 किलो 800 ग्राम अफीम दूध के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देश अनुसार सोजत डीवाई एसपी डॉक्टर हेमंत कुमार जाकर के सुपरविजन में सोजत सर्कल में सिरियारी थाना अधिकारी हमीर सिंह में जाप्ता द्वारा 1 किलो 800 ग्राम अफीम दूध के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत देवगढ़ से सिरियारी सड़क मार्ग पर सिरियारी थाना अधिकारी हमीर सिंह में जाप्ता द्वारा एक मारुति कार रुकवाने पर उक्त कार में अफीम के दूध के साथ भीलवाड़ा जिले के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब रहे कि सोजत सर्कल उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के निर्देश में सोजत सर्कल में 2021 में पुलिस को मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार 15वीं कार्रवाई में सफलता हाथ लगी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार उक्त आरोप तस्करों से गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे भी और भी खुलासे होने के आसार लग रहे हैं। पुलिस द्वारा तस्करी में काम में ली गई उक्त वैन को भी जब्त किया गया है। वहीं सोजत पुलिस उप अधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ के पद स्थापना के पश्चात 1.5 वर्ष में 39वीं कार्रवाई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ इन्होंने ये कहा। सोजत क्षेत्र के अंदर एक करमाल घाटी का जो रास्ता है, उसमें से कई बार तस्कर हैं जो कि चित्तौड़गढ़ और मंदसौर साइड से NDPS आर्टिकल लेकर के जोधपुर जैसलमेर की तरफ मूव करते हैं, तो इस रास्ते का उपयोग करते हैं। इस रास्ते पर हमने मेरे पदस्थापन के दौरान 1.5 साल में हमने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं। 39वीं कार्रवाई हमारी NDPS तस्करों के खिलाफ ये है। 2021 में ये 15वीं कार्रवाई है इस सर्किल की। तो कारगर कार्रवाइयाँ सोजत सर्किल पुलिस की द्वारा की जा रही हैं। श्रीमान SP साहब कालूराम जी रावत साहब का स्पष्ट अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध जो कार्रवाई का स्पष्ट निर्देश है कि इसको इस तरह से बख्शा नहीं जाए, और हम इसके लिए बाकायदा प्लानिंग करा के कार्रवाई करते हैं। इसी प्लानिंग के क्रम में कल शाम को इन्फॉर्मेशन मिली हमारे SHO सिरियारी को कि कोई अवैध मादक पदार्थ किसी वाहन में कैरी किया जा रहा है, तो उन्होंने अचानक नाकेबंदी करमाल घाटी पे की और एक संदिग्ध वाहन को रोका। रोकने पर उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि हमारी गाड़ी में अवैध अफीम है, तो NDPS एक्ट के जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं उनकी पालना करते हुए हमने गाड़ी को सर्च किया। सर्च करने पर उसमें 1 किलो 800 ग्राम अफीम मिला। तो अफीम मिलने के बाद में हमने 2 आरोपियों को आम मौके से ही गिरफ्तार किया और एक मारुति वैन जिसे वो कैरी कर रहे थे उसको डिटेन किया, और इस प्रकरण की जो जांच है वो SHO सोजत रोड उजाराम जी का। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।